विद्युत जाम वाला एक आउटसाइडर, तो बॉलीवुड में काम करना ना कितना मुश्किल है ना, तो वो एक आउटसाइडर के अलावा कोई नहीं समझ सकता। सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो नहीं था, ये लोग छोटे से बड़े बने। सबसे पहले तो विद्युत जामवाल, दूसरा सुशांत सिंह राजपूत ना बने, जो कि ना करे बॉलीवुड में। और जो करण जौहर है ना, जो बिना तड़के की दाल है, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ वो जो बच्चों को, बॉलीवुड के जो बच्चे उनको सिर्फ मौका देता है, तो ऐसे लोगों को मौका नहीं था। धर्मा प्रोडक्शन उसके गू खा के थूक दो उसके मुंह पे, तो मैं तो बोलता करण जौहर के मुंह पे। नौरव होते ना भाई, क्या है ना, वो खाली मतलब अपने जो बैक है ना वही हिलाए ना, तो वही अच्छा है उसके लिए। सिर्फ और सिर्फ मूवी में एक्शन पे ध्यान दिया गया है। कभी रेस की याद आ रही है, रेस वन, रेस टू और रेस थ्री, तीनों इसके अंदर ही है मूवी में। मतलब आपको सैफ अली खान भी नजर आएंगे, सलमान खान भी नजर आएंगे, सब नजर आएंगे। मतलब ऐसी मूवी को उठा के बनाई है। 99 की टिकट है, 99 में तो आजकल बर्गर भी नहीं मिलता भाई। अर्जुन रामपाल ने अच्छा कंपटीशन दिया विद्युत जम्वाल को, उनका एक्शन भी अच्छा था। देख लिया मैंने क्रैक। एक्चुअली एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था इसका, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेवल की थी। क्यों थी, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि विद्युत जम्वाल है एक आउटसाइडर, और जिस तरह से मैं स्ट्रगल करता हूँ आपको भी पता है, मतलब एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम करता हूँ, तो बॉलीवुड में काम करना ना कितना मुश्किल है ना, तो वो एक आउटसाइडर के अलावा कोई नहीं समझ सकता। जो एक सर परा रहता है ना, जो मतलब एक बेटे के हाथ पे बाप हाथ रखने वाला रहता है ना, विद्युत जामवाल के साथ वो नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो नहीं था। ये लोग छोटे से बड़े बने, तो मैं चाहूँगा कि मतलब सबसे पहले तो विद्युत जामवाल, दूसरा सुशांत सिंह राजपूत ना बने, जो कि ना करे बॉलीवुड में। ऐसा दूसरा एक्टर विद्युत जामवाल ना बने, जो कि इसने अपने पैसों से ये मूवी बनाई है। 65 करोड़ के भारी बजट में इतनी बड़ी मूवी पहली बार विद्युत जामवाल ने खुद बनाई है, खुद प्रोड्यूस की है। और अगर बात करूँ इस मूवी की ना, तो मुझे एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी। अगर एज अ एक आर्टिस्ट में देखूंगा तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, बट एज ए ऑडियंस में एक बार ये मूवी देखूंगा ना, तो कहीं ना कहीं मुझे मूवी डिसअपॉइंट करती है। क्यों करती है, मैं वो भी आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ। मूवी का जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत वीक है, डायरेक्शन है वो काफ़ी वीक है। सिर्फ और सिर्फ मूवी में एक्शन पे ध्यान दिया गया है। अब मैंने फाइटर मूवी देखी थी लास्ट वीक में, एक दो हफ्ते पहले, तो उसके अंदर ना इमोशंस के, एक्शन के साथ ना इमोशन का तड़का था, तो कहीं ना वो फील होता था कि हाँ भाई मूवी में इमोशन भी है। तो ये जो इसके अंदर एक भाई का बताया ना कि भाई जाता है मर जाता है, तो ये हमने मतलब बागी 3 में भी हमने देख चुके, जो टाइगर श्रॉफ हमारे जो अपने भाई को लेके परेशान रहते, तो ये कंटेंट हमने बहुत मूवीज में देखा है। बट इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्शन से भरपूर है मूवी, और अगर इसमें आप इमोशन देखने जाओगे तो, स्क्रीन प्ले देखने जाओगे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, मतलब टोटल वेस्ट है। अगर बात करूँ मैं विद्युत जामवाल की ना भाई, मतलब दिल से सलाम है उसको, जो बंदा एफर्ट डालता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ ये मूवी ना उसी के लिए देखने आया था, और उसको मतलब बोलते ना पूरा दिल से सपोर्ट करता हूँ हमेशा से। जो उसने काम किया ना भाई, खुद जो एक्शन किया ना, मजा आ गया देख के भाई। अर्जुन रामपाल को मैंने बहुत टाइम के बाद देखा, इतने टाइम के बाद तो मैंने अपने माँ बाप को भी नहीं देखता हूँ थिएटर में, मैंने इतने दिन बाद अर्जुन रामपाल को देखा। और भाई मतलब बोलते ना एक टफ कॉम्पिटिशन, 2011 में मैंने देखा था रावण शाहरुख खान की, उसके अपोजिट में थे अर्जुन रामपाल, जो मतलब उसमें विलन का काम किया था ना, तो सेम वैसा ही उसके अंदर भी किया है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि हिस्ट्री वापस रिपीट की अर्जुन रामपाल ने 2011 से 2024 में, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है अर्जुन रामपाल ने मूवी के साथ। और मज़ा आ गया मूवी देख के, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्शन देख के मुझे मज़ा आ गया, बाकी स्क्रीन प्ले और उसमें दम नहीं था इतना। नौरव फतेह ना भाई, क्या है ना, वो खाली मतलब अपने जो बैक है ना वही हिलाए ना, तो वही अच्छा है उसके लिए। जो आइटम नंबर्स करती है ना, तो मतलब लोग जो उसको देख देख के हिलाते वही अच्छा है। मतलब उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता, एक्टिंग का ए नहीं आता, डी का सिर्फ डांस आता है और कुछ नहीं आता उसको। तो वो सिर्फ जो अगर आइटम नंबर करे ना बॉलीवुड में, तो वही अच्छा है। हाँ, अगर पार्शलिटी करके थोड़ा डायरेक्टर को खुश करके अगर बॉलीवुड में काम मिलता है, तो ऐसे मिलता है, तो आपके सामने ये कि काम कैसे मिलता है, तो सामने दिखता ही है। एमी जैक्सन भी अच्छी है भाई, एमी जैक्सन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। बट कहीं ना कहीं मूवी में, अगर मूवी की भी मैं स्क्रीन प्ले की बात करूँ ना, तो मेरे को कभी रेस की याद आ रही है, रेस वन, रेस टू और रेस थ्री, तीनों इसके अंदर ही है मूवी में। मतलब आपको सैफ अली खान भी नजर आएंगे, सलमान खान भी नजर आएंगे, सब नजर आएंगे। मतलब ऐसी मूवी को उठा के बनाई है। और दूसरी बात, इसके अंदर आपको एक ऐसा लगेगा कि आप कलर्स पे ना टीवी खिला रहा खतरों के खिलाड़ी। हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग कहीं वो तो नहीं देख रहे खतरों के खिलाड़ी, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ऐसा भी फील आएगा। तो मतलब मूवी थोड़ा बहुत प्लॉट उठा के बना है। और जो स्टार्टिंग में एक ट्रेन का सीन किया है ना विद्युत जामवाल ने, तो वो ट्रेन का सीन भी ना भाई मतलब कॉपी किया हुआ है हमारे मुंबई लोकल ट्रेन से, तो सब उठा उठा के बनाया हुआ है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विद्युत जामवाल का एक्शन भरपूर है इस मूवी में भाई, वो देखो, इन्जॉय करो और बंदे को सपोर्ट करो।
और जो करण जौहर है ना, जो बिना तड़के की दाल है, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ वो जो बच्चों को, बॉलीवुड के जो बच्चे उनको सिर्फ मौका देता है, तो ऐसे लोगों को मौका नहीं था। धर्मा प्रोडक्शन उसके गू खा के थूक दो उसके मुंह पे, तो मैं तो बोलता करण जौहर के मुंह पे। सही था, मतलब म्यूजिक व्यूजिक इतना कुछ खास नहीं था, नॉर्मल था बाकी बस इतना। अगर डायलॉग की आप बात करोगे, आप म्यूजिक की बात करोगे, तो जो पठान और जवान में जो मतलब ऐसे एक डायलॉग थे कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को हाथ लगाने, बेटी से बात करी, सब मतलब एक यादगार डायलॉग थे। तो इसके अंदर वैसे कुछ डायलॉग नहीं है, बस एक फेमस डायलॉग था कि जीतेगा तो जिएगा, जिएगा तो जीतेगा, ऐसा ही कुछ डायलॉग था, वही बस डायलॉग है। और सिर्फ विद्युत जामवाल का एक्शन है, मैं वही बोलूँगा आउटसाइडर है प्लीज़ आओ, 99 की टिकट है, 99 में तो आजकल बर्गर भी नहीं मिलता भाई, 99 में टिकट मिल रही है मूवी की, आओ और देखो इन्जॉय करो। इसके जो पहले प्रोड्यूसर थे ना, वो पहले मतलब विद्युत जामवाल ने ना स्टोरी मतलब पहले जो सोनी के पास लेके गया, जियो के पास लेके गया, धर्मा प्रोडक्शन मतलब बहुत सारों के पास लेके गया, लेकिन किसी ने मतलब इंटरेस्ट नहीं बताया इस पिक्चर में। तो एंड ऑफ द डे विद्युत जामवाल का ऐसा था कि भाई अभी पिक्चर तो स्टार्ट हो गई है, पहले मतलब जियो ने पैसा लगाया था इसके ऊपर, बट कहीं ना कहीं फिर जियो को भी ऐसा लगा कि भाई ये पिक्चर मतलब डामाडोल है, नहीं चलने वाली बॉक्स ऑफिस पे, तो जियो ने अपना हाथ पीछे कर लिया। तो उसके बाद विद्युत जामवाल ने भाई जैसे तैसे अपना जो भी बोलते ना प्रॉपर्टी ये वो करके जैसे भी करके इस मूवी को पूरा मतलब कंप्लीट किया। और आप देखोगे ना, बंदे ने प्रमोशन में भी मतलब हाथ पीछे नहीं किया, हर जगह प्रमोशन में भी उसने मेहनत किया है, और ये मेहनत का फल हमको, हम हमारा फर्ज बनता है एज अ ऑडियंस के उसको ये फल देना चाहिए, वरना ये फल सड़ जाएगा ना भाई, तो एक और सुशांत सिंह राजपूत हमको खोना नहीं है बॉलीवुड में, मैं यही बोलूँगा बस। इस मूवी को भाई मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत थी, मैं 5 out of 5 देना चाहता था रेटिंग, बट सिर्फ वो इसका स्क्रीन प्ले और उसके डायरेक्शन की वजह से इस मूवी को 3 रेटिंग दूंगा, वो भी सिर्फ विद्युत जामवाल और अर्जुन कपूर की वजह से, ये सॉरी अर्जुन रामपाल की वजह से। करेक्ट, एवरेज मूवी है, एक बार आ सकते देखने के लिए। अर्जुन रामपाल ने अच्छा कॉम्पिटिशन दिया विद्युत जामवाल को, उनका एक्शन भी अच्छा था, और जो एंट्री सीन है अपने विद्युत जामवाल की वो भी बेहतरीन है। डायरेक्शन अच्छा था, मार पब्लिक को, अपने पब्लिक बोर होती है स्टोरी स्क्रीन प्ले में, स्टोरी थोड़ा वीक है और स्क्रीन प्ले थोड़ा बोरिंग है, इसलिए थोड़ा वहाँ पे मार पड़ रहा है मूवी को। नहीं, नूरा फतेही का उससे चाहे एमी जैक्सन का काम अच्छा मेरे को लगा, नूरा फतेही से, तो नूरा फतेही एवरेज, लेकिन एमी जैक्सन का काम बहुत अच्छा है, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया हुआ उन्होंने, म्यूजिक सब अच्छा है, लेकिन मैंने बोला ना आपको स्टोरी स्क्रीन प्ले में वीक है, बाकी ये सब कुछ अच्छा है मूवी का। हाँ, वन टाइम वॉच है, वन टाइम आप एक बार आ सकते हो देखने के लिए, 3 star। और कैसी लगी? एक नंबर सही है, मूवी अच्छा लगा, एक्शन बहुत अच्छा लगा, एक नंबर है, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, अच्छी पिक्चर है, क्रैक एकदम क्रैक भरा है, सुपर है, एंड सबसे बेस्ट तो इसके जितने भी एक्शन सीक्वेंस बताए ज़बरदस्ती है। इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगा, सभी को देखनी चाहिए, सभी ऑडियंस को देखनी चाहिए। विद्युत जामवाल इज़ द मेन लीड, तो उनको तो एक्शन के लिए माने जाते हैं, मार्शल आर्ट्स में मास्टरी की है उन्होंने, तो पूरी स्क्रीन्स में दिख रही है। जहाँ मैं बात करूँ अर्जुन रामपाल सर को, मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, नेगेटिव शेयर दिया है, लेकिन ज़बरदस्त। हाँ, उनका तो ऐसे 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 उनका काम बहुत अच्छा है। सॉन्ग सही है, गाने अच्छे है, एक गाने फिल्म में दिखा है, लास्ट में भी एक गाना है, मजा आ जाएगा। वन टाइम वॉच नहीं है, लोगों पब्लिक देख सकती है, मजा आ जाएगा। 3.5।